ये है मुर्दों की झील। यहाँ मुर्दे करते हैं वास। कंकालों का है ये घर, झील नहीं मौत का शामियाना। रहस्यमयी झील। भारत में एक ऐसी झील है जहाँ आम लोग नहीं मुर्दे वास करते हैं। ये झील कंकालों का घर है, जहाँ एक दो या 10 से 20 कंकाल नहीं 200 से ज्यादा कंकाल रहते हैं। एक ऐसा रहस्य है इस झील को लेकर, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साल के 6 महीने तो ये कंकाल बर्फ की चादर ओढ़कर सोए रहते हैं, लेकिन गर्मी आते ही ये कंकाल जाग जाते हैं। फिर ये रहस्यमय झील दुनिया के सामने आती है। फिर ये कंकाल जागते हैं और लोगों से दो चार होते हैं। कंकाल झील के नाम से मशहूर ये झील हिमालय पर लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस साल जब भी बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई 100 खोपड़ियाँ देखी जा सकती हैं। पहले कहा जाता था कि ये खोपड़ियाँ कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की है, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम की जद में आ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे, या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। गौरतलब है कि रूपकुंड को रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है और इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके पहाड़ हैं। ये झील 2 मीटर गहरी है और हर साल कई ट्रैकर्स और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। रूपकुंड में 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और उस दौरान देवी नंदा की पूजा की जाती है। शोध से खुलासा हुआ है कि कंकाल मुख्य रूप से 2 समूहों के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत कद में छोटे लोगों का है। इन कंकालों को सबसे पहले साल 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखा था। समय समय पर इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए अलग अलग तथ्य आते रहे हैं। एक मत है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सैनिक इस रास्ते से गुजर रहे थे। बर्फीली पहाड़ियों के बीच उन्हें रास्ता समझ नहीं आया और भटकने लगे। अधिक ठंड की वजह से इन सैनिकों की यहाँ मौत हो गई। जबकि दूसरा तथ्य कुछ और ही कहता है। एक अन्य मत ये कहता है कि प्राचीन काल में जसधावल नामक राजा संतान प्राप्ति की इच्छा से कुछ लोगों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले। मार्ग में अचानक ओलावृष्टि होने लगी, इससे बर्फीले झील में सभी की समाधि बन गई। सबसे नया तथ्य ये सामने आया है कि 19वीं शताब्दी में क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई। उस समय जो भी लोग इस क्षेत्र में थे उन सब की मौत हो गई। रूपकुंड के आसपास बिखरे नरकंकाल उन्हीं लोगों के हैं। इन कंकालों के रहस्य से पर्दा तो उठ गया है, लेकिन अभी भी ये रूपकुंड इन कंकालों के कई रहस्यों को छुपाए हुए है।